हर से शमशान बन चुकी ये जगह जोधपुर के शेरगढ़ में है। यहाँ के छोटे से कस्बे भोंगरा में 8 दिसंबर को जो हादसा हुआ, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही है। यहाँ पर रहने वाले तगत सिंह के घर में बेटे की बारात की तैयारियां चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदार और मेहमान घर में मौजूद थे। अचानक गैस की टंकियों से रिसाव के बाद एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और खुशियां अचानक राख हो गईं। इस हादसे में दूल्हे के माता पिता और बहन समेत अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। आशंका है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। घटना में 60 से ज्यादा लोग झुलसे थे, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग अभी अस्पताल में हैं। अभी तक इस गांव में सबसे ज्यादा मौत मेरे घर से हुई है। 9 जने गए थे, जिनमें से 7 जने अभी खत्म हो गए, जिसमें मेरी माता, मेरी वाइफ, बड़ा भाभी सा, 3 भतीजे और स्वतः मेरा बच्चा। जितना इनको अच्छा मुआवजा मिल सके, ज़्यादा इनकी कैसे मदद हो सके, वो काप अभी तक वो सर्वे फाइनल नहीं हुआ। हमारी ये मांग है कि ये इन पीड़ित परिवार को शीघ्र सहायता प्रदान की जाए और एक अच्छा पैकेज दिया जाए, सम्मानजनक दिया जाए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों को देखने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी पहुंचे थे। गहलोत ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख रुपए और चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए की घोषणा की है। हादसे में पीड़ित परिवार के रिश्तेदार और गांव वाले इस मुआवजे से खुश नहीं हैं। उन्होंने अस्पताल के शवगृह के सामने धरना दे रखा है। इनकी मांग है कि सरकार घायलों को 25 लाख रुपए और मृतकों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे। मांगे हमारी ये है कि मृतक परिवारों को 50 लाख का मुआवजा और जो घायल हैं उनको 25 लाख रुपए और जिन परिवारों में जांच करके जिनमें कोई बच्चा बच्चा है उनको पढ़ाई के बाद नौकरी का, जो सरकार की तरफ से चाहे नॉर्मल नौकरी हो, जो भी हो, सरकार की तरफ से नौकरी मिले। असंवेदनहीनता की हदों की प्रकाष्ठा है, परंतु सिर्फ 2 लाख रुपये ये बहुत कम है और इसके अंदर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मामला है। इन गैस कंपनियों के विरुद्ध में क्रिमिनल नेग्लिजेंसी 304 मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के ही रहने वाले हैं। सवाल है कि क्या इस घटना का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है।